नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल रिंकू रामा अलमाइटी। मैं आपका दोस्त रामा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मंत्रोचार प्राकृतिक जड़ी बूटियों आयात ताबीजों द्वारा सभी रोगों का उपचार। आप रोगों से ग्रसित है तो लास्ट तक वीडियो देखना ना भूले। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, लाइक शेयर कर देना। ये वीडियो जल कल्याण के लिए समर्पित है। अगर किसी को रोगों से संबंधित सुझाव पूछना है तो कॉल द्वारा भी कर सकते हैं। कृपया मेरा डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां से नंबर दिया गया है, लेकर आप कॉल कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं मंत्रोच्चारण द्वारा व जड़ी बूटियों द्वारा उपचार। और झाड़िए, हाँ झाड़िए दोनों, कैसे तो देखिए, आई लेके देखिए, मुंह से बोलिए। हाँ ठीक है, अभी कहीं जानने के लिए जो है सबसे बड़ी स्पेशलिस्ट है चमक की, मैं स्पेशलिस्ट हूँ। जी सर, किसी भी आप जो है शरीर के कहीं भी एंग में चमक जो बोलते हैं हम लोग, चमक लग जाए, चोर लग जाए, दर्द सर्द नहीं लग जाता है, कोई सामान खाते हैं तो चमक हो जाता है, गर्दन ऐसे नहीं घूम पता ऐसे देखते हैं, उसको जैसे मैं आपको इलाज किया ऐसे कर दूंगा 100% आपको ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन लगाने से भी जितना ठीक नहीं होता है उससे अधिक लाभ करता है, और आपने ये महसूस भी किया है। सर किया है, महसूस किया है, आपके इलाज करने से बहुत मैं रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ और पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। ये जो है मुझे 3 दिन पहले क्लासरूम में अचानक सही हो गया ये चीज़ें, और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सोने में दिक्कत हो रही है, गर्दन नहीं घूम रहा है। अभी आपको सब घूमेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जो पितैया नहीं होती गर्मी के दिनों में बहुत आ जाती है, वो काट दे, हाड़ी काट दे आपको, मधुमक्खी काट दें, मधुमक्खी का भी मैं ऐसे ही इलाज करता हूँ, मैं चीज़ झाड़ दूंगा एकदम बिल्कुल आपको ठीक हो जाएगा। कहीं ये नहीं है कि मुझे कोई ज़्यादा कहीं अंग भड़काने वाला जो खींच देते हैं कि एक तो रोग है, दूसरा भी रोग हो जाता है, ये वाला नहीं करता। उसके अतिरिक्त माइग्रेन की समस्या जो होती है जिसको जिस कम अधकपारी बोलते हैं, सुबह शाम जो होता है अधकपारी उनको होता है, अगर मैं उनको सुबह शाम 2-3 दिन में झाड़ दूँ उनका जो है रोग 100% ठीक हो जाता है। बुखार का भी मेरा इलाज कर दीजिए। बुखार वाला मैं देखता हूँ आपका, जड़ी मानेंगे ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसके अतिरिक्त जो पाइल्स जो होता है बहुत परेशान है सर, पाइल्स जो है सर पाइल्स ठीक हो जाता है, बहुत ठीक, उसकी मैं जड़ी बांधता हूँ, एतवार और मंगल को बांधता हूँ सर, और किसी को है अगर तो भी आता है मेरे पास में ठीक हो जाता है। और बहुत जानते हैं, देख राम ऐसे तो हमारे पास में 10-12 रोग का जो है मैं बहुत ही स्पेशलिस्ट हूँ, ऐसे आते रहते हैं बहुत सी, आप जान ही गए। हाइड्रोसिल की है मेरे पास में दवा, कि आप देखते हैं आप तो फौजी आदमी है, कोई काम करते रहते हैं सडनली चोट लग गया तो हाइड्रोसिल का अगर बहाने लगता है उसका एकदम फास्ट मेरे पास में बनी है। कुछ नहीं दवा सवा मैं नहीं देता हूँ, खाने पीने वाला मैं कुछ दवा नहीं देता हूँ कि आप खा लीजिए ये रहिए, मैं सिर्फ जो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं मैं इसी में विश्वास करता हूँ और यही देता हूँ। पीलिया रोग है, पीलिया रोग का मैं जो है एतवार और मंगल के दिन एक जड़ी बांधता हूँ मैं, जैसे पीलिया नहीं रोग हो जाता है गर्दन में सटा के बांध देते हैं, वो क्या होता है धीरे धीरे जो बढ़ जाता है वो रस्सी क्या होगा धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, रोग जो है ठीक होते जाता है। ये मेरी माँ भी, मेरी माँ तो झाड़ती थी लेकिन मैं झाड़ने वाला सीख नहीं पाया क्योंकि उस समय इंटरेस्टेड नहीं था, और वो कला जो क्या हुआ कि मेरे परिवार से ही उठ के चला गया, उठ कर मेरे गांव से चला गया, क्योंकि गांव के लोग मेरे पास में बहुत आते थे, भीड़ लगता था और वो सीखा नहीं चला गया, वो गलती है। नहीं तो इसलिए कर रहा हूँ कि यार ये मेरे पास में नॉलेज है, कोई आएगा किसी को भलाई होगा। जी सर, किसी दुख या आदमी को अगर आप स्वस्थ करके भेज देते हैं तो उसकी दुआ आपको और आपके परिवार और लगेगा और आप ऐसे ही इम्प्रूव करते रहें। नहीं हमें खुशी मिलती है और बाकी कुछ है नहीं, बाकी मेरे को फेमस होने की ये नहीं है कि मुझे फेमस होना है, और आप मानव सेवा करते रहें। एक और है, महिलाओं को जो ब्लीडिंग होता है महामारी आ गया उसके बाद में रुक ही नहीं रहा है या सडनली बीच में आ गया,
उसका तो मैं प्राकृतिक माध्यम से जो है 3 खुराक 4 खुराक मैं पिलाता हूँ सुबह शाम सुबह, और वो भी रुक जाता है 80% 80 से 90% 10% चांस रहेगा कि इधर उधर जाएगा। एक लिकोरिया होता है महिलाओं में, उसका भी है दवा मेरे पास, और वो मैं नहीं करता हूँ, नहीं तो मैं दवा दे दूँगा अपने जो है 3-4 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। सबसे बड़ा है कि घर को बांधना, आप देखते होंगे क्योंकि घर नया बन रहा है तो घर को बांधने के लिए, या घर आपका बन गया है ये तो सांप बिच्छू क्या करते हैं आते हैं चले जाते हैं, तो वो सब चीज़ें का भी मैं मंत्र द्वारा जो है मुट्ठी में बांध के और मंत्र पढ़ने के बाद छिड़क देने के बाद में आते नहीं है। एक और है जिसने छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चे की नज़र बहुत लगता है, पड़ोसी देखते हैं कितने गंदे लोग रहते हैं नज़र लगा देते हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं हम लोग एक गिलास पानी में दम करके और उसको दम मतलब मंत्र पढ़ के पिला देते हैं वो ठीक हो जाता है। यहाँ नहीं, आपने देखा होगा कितने आदमी को जो है दवा ही काम नहीं करता है, उसका भी मैं दवा देता हूँ मंत्र। जैसे आप पटेल जी को देखे थे आप, वो पागल हो गए थे, उनको जो है दवा ही काम नहीं कर सकती है ना, तो वो हमने कर दिया दवा, दवा खा रहे हैं, दवा हमें कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है, दवाइयों का इंजेक्शन लिया दवा खाया लेकिन कोई उसका प्रभाव नहीं हो रहा है। राम इधर आओ, अभी मैं आपको देता हूँ वो छोटी वाली गिलास में जो है आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी, एक गिलास पानी लेकर छोटी वाली गिलास में मैं उसका भी आपको इलाज ही कर देता हूँ। ठीक है सर, तो वो जो है बिल्कुल आपका ठीक हो जाता है सर। लेकिन ये घूमते घूम रहा है अभी भी, पहले से काफ़ी रिलैक्स है लेकिन अब हल्का हल्का महसूस हो रहा है सर दर्द की। जी जी, पहले से काफ़ी राहत है ना जी। हाँ, इतना मेरे पास मरीज आने के बाद में जो चमक जो मैं बताया चोर आ गया जी जी, तो भाई उसके लिए मैं इतना टाइम नहीं लगता, एक बार दो बार हमने किए चले गए, लेकिन ऐसे तो हमने क्या करता कोई भी प्रकार से चोट भी लग गया है आपको, अभी मैं ऐसे झाड़ दूंगा 2 मिनट के अंदर आपको ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, देखिए तो हाँ सर ये आराम हो गया। हाँ ये आराम हो गया, एक बार सर ऐसे ही यहाँ कर दीजिए। ये बताओ कैसे रहा आपका? नहीं ये ठीक रहा सर, एक गर्दन वाला। हमें तो रोगी से हंसते हुए जाना चाहिए भाई। जी सर, जी सर। भाई जी नहीं मेरा वो नहीं है सर, एक बार सर ये वाला क्लोज क्यों भगवान का नाम ले गया। आओ राम, क्यों घबरा रहे हो, आजा भैया से ले लो। ओके चलो, और मैं क्या सेवा करूँ आपकी। तो चलो अनुज,